नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 अगस्त है, दिन है शुक्रवार। आज सुबह भी सरसों का बाजार तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया और शाम को बाजार ने खूब अच्छा प्रदर्शन किया है और बाजार में जो रेट है सरसों के वो काफ़ी ऊपर हो गए हैं। और कितना सुधार हुआ है इस पर विस्तार से बात करें, उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो उसमें व्हाट्सएप पर मिलता है उसकी भी आप सदस्यता ले सकते हैं ताकि आपको समय से हर चीज़ की जानकारी अपडेट आपको मिलती रहे। आज सरसों का बाज़ार भरतपुर मंडी को छोड़कर सभी जगह बाज़ार पॉजिटिव खुला, प्लस खुला। 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक जयपुर का भाव 25 रुपये बढ़कर के 6200 रुपये के लेवल पे आ गया है। चरखी दादरी और टोंक निवाई लाइन पर बाज़ार लगभग स्टेबल है। जो कल भाव थे वही भाव हैं, लेकिन जो गोयलकोटा का प्लांट है उन्होंने सुबह 50 रुपये भाव बढ़ाया था। उसके बाद नंबर आता है दूसरे प्लांटों का, जैसे सलोनी ने सुबह 25 रुपये भाव बढ़ाया, उसके बाद में फिर 25 रुपये भाव बढ़ा करके अब कुल मिला करके 50 रुपये की तेजी आज सलोनी प्लांटों में दिखाई दी है। 6675 रुपये का भाव है शमशाबाद और दिगनेर का। अलवर और कोटा का भाव है 6550 रुपये, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि जो इस समय जो आवक बनी हुई है वो है 3 लाख बोरी। 3 लाख बोरी का मतलब है कि आवक बिल्कुल ही सामान्य से बहुत कम है। अवेलेबिलिटी नहीं होने से, उपलब्धता नहीं होने से, सप्लाई नहीं होने से प्लांटों के अंदर डिमांड बढ़ रही है, प्लांटों के पास स्टॉक नहीं है। और लगता नहीं है कि अब किसी किसान के पास कोई माल बचा होगा, कोई एक आधा बिरला कोई किसान किसी के पास थोड़ा बहुत माल हो तो हो, अदरवाइज़ सरसों की आपूर्ति अब कैसे होगी ये एक चिंता का विषय है। और अगर ये चिंता इसी तरह से बनी रहती है तो सरसों में मामला कुछ गंभीर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे रविवार के दिन, तब तक हमारी पूरी टीम इस पर स्टडी करेगी कि क्या संभावनाएँ हो सकती हैं और क्या आने वाले दिनों में इसके भाव बन सकते हैं, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन रविवार के दिन फिलहाल सरसों के बाज़ार के अंदर मंदे की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। विदेशी तेलों का भी सहारा मिला हुआ है और जो घरेलू बाज़ार है उसके अंदर जो आपूर्ति टाइट है उससे जो सरसों का फंडामेंटल है वो पूरी तरह मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता ये है कि जिस तरह से एक बार हमने भरतपुर मंडी का हाई जो रेट है 6025 रुपये देखा था, वो हम नेक्स्ट वीक में या 10 दिन के भीतर में फिर से देख सकते हैं। अब धीरे धीरे चूंकि जो खाद्य तेलों की जो डिमांड है वो निकलने वाली है, क्योंकि सामने सभी त्यौहार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 तारीख को यानी सोमवार के दिन जन्माष्टमी का पर्व है और उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे दूसरे त्यौहारों की तरफ बढ़ेंगे तो त्यौहारों की डिमांड निकलेगी। फिलहाल प्लांटों पर कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन भी नहीं लगती है प्लांटों और बंदरगाहों पर, लेकिन फिलहाल जो आपूर्ति है वो संतोषजनक नहीं है। कुल मिलाकर के स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और बाज़ार की जो गति है वो तेज़ी की तरफ बनी हुई है और ये तेज़ी आगे और बढ़ने की संभावना है। थोड़ा सा सोयाबीन को लेकर के खतरा है, क्योंकि सोयाबीन की जो वैश्विक आपूर्ति है वो बढ़ रही है। हमारे जे देश की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है फिलहाल तक, और अगर आज आगे स्थितियां ऐसे ही अनुकूल रहती हैं तो सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी बनेगी, जिसको लेकर के सोयाबीन पर दबाव आने की संभावना बनेगी कुछ दिन के बाद में, यानी सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब फसल आने की संभावना शुरू होगी। फिलहाल कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज जैसा मैंने बताया कि 6200 रुपये भाव हो गया है जयपुर का। भरतपुर मंडी का भाव सुबह कमज़ोर ज़रूर खुला था, 5785 रुपये भाव खुला था, लेकिन इस समय जो भाव है वो 5810 रुपये से लेकर के 5825 रुपये तक बताए जा रहे हैं, जो यानी सुबह की तुलना में अब तक 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक का बाज़ार सुधरता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली 6075, चरखी दादरी 6050, अलवर 5850, गंगापुर सिटी 5910, बरवाला 5650, हिसार 5600, गोयलकोटा 6050, मुरैना 5575, ग्वालियर 5700, खैरथल मंडी 5800, खेरली मंडी 5785, नडवई 5785, सुमेरपुर 5850, कोटा 5500, नागौर 5400, सिवानी मंडी 5825, आदमपुर 5707, नोहर मंडी 5780, निवई 5750, टोंक मंडी 5730
और जो सलोनी प्लांट का जो मैं भाव आपसे जिक्र कर रहा था जिसमें थोड़ी सी चूक हुई, समझाबाद और दिगनेर का भाव है 6675 रुपये इस समय, अलवर और कोटा का भाव है 6550 रुपये, शारदा प्लांट में भी भाव इस समय 6500 है, बीपी आगरा का प्लांट का भाव भी 6500 रुपये है, अडानी का जो बूंदी और अलवर के प्लांट है वहाँ एक बार फिर से 50 रुपये की तेजी और बाजार हो गया है 6250 रुपये, गोयल कोटा का मैं बता ही चुका हूँ 6050 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।